हम जाओ। हे भगवान। अरे उर्मी बेटा, अचानक कब आई? बस पापा, थोड़ी देर हुई है। वो मम्मी ने बुलाया था, छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाती है। कब बात का है? मम्मी ने सम्राट जी को कुछ विदेशी क्लाइंट्स के साथ देख लिया था, तो टेंशन में आ गई और सोचने लगी कि शायद उनका कोई चक्कर वक्कर चल रहा। सुनो मम्मी, फिर कभी आएंगे तो फुर्सत से बैठेंगे तुम्हारे साथ। हाँ बेटा। बाय। चलते हैं पापा। बाय। हाँ बेटा, बाय। ऑटो ऑटो ऑटो, सिविल लाइन्स चलेंगे आप। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है? अरे भाभी जी, आपसे इतना कहा पर आप मिलने ही नहीं आ रही है, तो हमें ही आना पड़ा। वैसे गुस्ताखी माँ, बोला था ना आपसे हमने, कोई बात नहीं सुननी हमें आपकी। भाभी जी, भाभी जी, हमारी बात तो सुनिए। जो कुछ हम आपसे कहने जा रहे हैं ना, वो आपकी भलाई के लिए है। बहुत जरूरी है कि आप सम्राट भैया की असलियत को जानें। एक मिनट, आपको हमारी भलाई के बारे में सोचने की कोई जरूरत है, हम खुद सोच सकते हैं। और आप जैसे घटिया आदमी को सम्राट जी ने एक मौका दिया, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। भाभी जी देखिए, हम जानते हैं हम घटिया हैं, बहुत घटिया हैं, पर आपके पति हमसे ज्यादा घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है। एक बात याद रखना उर्मी भाभी, सांप अपना केचुल बदल देना, उसकी फितरत नहीं बदलती, वो और भी खतरनाक हो जाता है। अपनी जबान को लगाम दीजिए आप। मैं जो कुछ भी हूं ना उर्मी भाभी, मैं अपनी पत्नी को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाकर लड़कीबाजी नहीं करता। आपके पति ये घटिया काम भी करते हैं और बहुत शौक से करते हैं। मैं जानता हूं आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे आप? कोई बात नहीं, आप जाइए होटल ब्लू पेरीडॉट में और पता कीजिए, आपके पति परमेश्वर के नाम पर वहां पर एक रूम हमेशा बुक रहता है और वहीं रंग रलिया मनाते हैं। वो आपकी आंखों में धूल झोंक कर वही उनकी मात है जहां वो अपना शिकार लेकर जाते हैं। जाइए आप देखिए, चाहे वो इस वक्त आपको वहां ना मिले, पर उनके शिकार की बदबू आपको वहां जरूर मिलेगी।